सभी लोग, चलिए मैं आपको अपना परिचय क्या आपको कुतुब मीनार का परिचय देते हैं। ये दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है और आप ढेर सारे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कुतुब मीनार को बनाए थे और उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार पड़ा था। और इधर जो आप दिल्ली का जो इधर नज़ारा देखिए, इधर काफ़ी बेस्ट नज़ारा है। नज़ारा क्या, और आप देखिएगा इस प्रकार से, और उधर देखेंगे मेरे तब का, और इस साइड दिखाएंगे तो इधर देखेंगे कि ढेर सारे ऐसे ऐसे युवा हैं जो अभी घूर रहे हैं। तो देखिए आप इन्हें से दिखा रहे हैं, देखिए आपको आइए देखिए इधर, देखिए इधर जो भयानक इधर देख रहे हैं, ढेर ऐसे ऐसे लोग हैं जो घूम फिर रहे हैं। काहे कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक बात है, समझ पा रहे हैं, इसी कारण से लोग घूम रहे हैं। और आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, सबसे बड़ी विचित्र चीज। और इधर जो आपको इधर नज़ारा नहीं दिख रहे हैं अभी, तो आपको ज़रूर हम दिखाएंगे, समझ पा रहे हैं। देखिए आपका जो ये जो मकबरा देख रहे हैं आप, इधर फिगर दिखा दीजिए, ये देखिए आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इल्तुतमिश का मकबरा इन्होंने 1235 ईस्वी में बनाया था। थोड़ा इसको सर से दिखाइए, ये सुल्तान शमसुद्दीन, यहाँ पर दिखाइए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे, समझ पाने इल्तुतमिश। और यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान एगढ़ी सुल्तान गढ़ी के निर्माण के 5 साल बाद 1235 में बनवाया था। आप 7th का हिस्ट्री में